हेलो गाइस, आप सब लोग फिर से स्वागत है मेरे चैनल एंड्रॉइड गेमिंग में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू विन इन सैफ्रन जिम। तो सैफ्रन जिम में जो मेन पोकेमोन है वो होता है एलाका जैम। तो उसके लिए मैंने कैप्टन को लिया, क्योंकि डार्क टाइप पोकेमोन पर साइकिक टाइप पोकेमोन का कोई असर नहीं होता। जैसे वो साइकिक और कॉन्फ्यूजन अटैक करेगा तो उस पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी पोकेमोन ले सकते हैं जो डार्क टाइप हो, जैसे होंडर है या फिर सब ले ही है। ठीक है, तो मैंने कैप्टन को लिया है। तो कैप्टन उतने आसानी से नहीं मिलता, तो आप होंडर को भी ले सकते हो, वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो स्लो ब्रो के लिए मैंने जेब्रोस को लिया है, वो इसे आराम से मार देगा, क्योंकि स्लो ब्रो का स्पीड बहुत स्लो है और जेब्रोस का थंडरबोल्ट उसके लिए बहुत पावरफुल होगा। ठीक है, और मैंने कैप्टन को लिया है एलकाजम के लिए, आईविसर को लिया है हिप्नो के लिए, गैसली को लिया है मैंने एग्जीक्यूटर के लिए, और फिर मिस्टर माइम के लिए ग्रेवलर, ड्रैगन फ्लाई, अगर जेब्डोस बच गया तो जेब्डोस भी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ सैफ्रन सिटी में। तो चलिए जिम लीडर को चैलेंज करते हैं। और आप लोग सभी जिम को खेलने से पहले अपने पोकेमोन पर गोल्ड बेरी यूज़ कर लीजिए। तो मैं बता देता हूँ गोल्ड बेरी कहाँ से मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर जाना है, फिर नीचे आपको यहाँ पर गोल्ड बेरी मिल जाएगा। आपको इसे खरीद लेना है, आपको ज़्यादा खरीद लेना है। फिर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। फिर इस पर आना है, जैसे गोल्ड बेरी को इक्विप कर देना है। ठीक है, तो चलिए जिम लीडर को चैलेंज करते हैं। दोस्तों पहला पोकेमॉन है स्लो ब्रो थंडरबोल्ट। दोस्तों ये एक ही थंडरबोल्ट में खत्म हो गया। अब आएगा कैप्टन। जैसे मैंने बोला था दोस्तों, कोई असर नहीं होगा, तो मैं पहले इंजन करूँगा, क्योंकि और कोई पोकेमोन कैप्टन को डैमेज देता है तो उसका पावर ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। अब आएगा हिप्नो। ये भी बहुत आसानी से खत्म हो गया। एग्जीक्यूटर दोस्तों इंग्रेन जब आपका होगा तो आप कोई भी पोकेमोन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इससे ही खेलता हूँ। लगता है ये एग्जीक्यूटर को भी ख़त्म कर देगा। देखिए दोस्तों, गोल्ड बेरी का बहुत अच्छा काम किया है गोल्ड बेरी ने। मेरा पावर जब 200 पे आ गया था, वो डायरेक्टली उसे 1000 पे ले गया, क्योंकि वो 800 पावर रिकवर कर देता है। तो ये मर गया। ये तो आराम से हो जाएगा दोस्तों। मैंने गलती से कार्ड्स कर दिया। तो दोस्तों मैंने बहुत आसानी से इसे जीत लिया है। ठीक है, आप भी दोस्तों इस ट्रिक को यूज़ कर दीजिए और बहुत ही आसानी से इस जिम को पाल कर लिए दोस्तों। फिर यहाँ पर आप स्नो लेग्स भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पर स्नो लेग्स भी है। इस जिम को पार करने से आपको स्नो लेग्स आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट करिए, और मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों। बाय बाय।